हेलो एंड वेलकम बैक टू टीचर टाइकून। स्कूल स्टार्ट हो गए दिवाली के बाद और आज का व्लॉग है माय फर्स्ट डे फॉर द सेमेस्टर टू। मैं सुबह उठ जाती हूँ 5:45 बजे और मेरे दिन की शुरुआत होती है विद अ बिग मग ऑफ वाटर। कभी मैं ये बड़ी सूप यानी फिनल सीड के साथ बनाती हूँ, कभी जीरे के साथ, कभी अजवाइन, डिपेंडिंग ऑन माय मूड। जब तक ये बॉईल हो रहा है मैं फ्रिज से निकाल देती हूँ जो कुछ लगने वाली है चीज़ें। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसे स्ट्रेन ना करूँ और स्कूल जाने से कम ये 2 मग जो है पूरे पी लूँ। वी प्रेफर चपातीस फॉर लंच। चावल भी खाते हैं पर चपाती तो खाते ही खाते हैं। सो मैं अभी चपाती बना देती हूँ बिकॉज मैं आती हूँ अराउंड 2:30, तो उसके बाद टाइम भी नहीं होता और एनर्जी भी नहीं होता। और आज टिफिन में हम लेकर जाएंगे पोहे, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। टमाटो काट रही हूँ और चिलीज़ भी स्लिट करके रख रही हूँ। और आपको पता है पोहे के लिए तो उसे धो के उसे स्ट्रेन करना पड़ता है। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें डाला राई, जैसे वो स्पटल करने लगी मैंने उसमें डाला शेंगदाना, दैट इज़ ग्राउंडनट। क्या आप कुछ भी शेंगदाना पसंद है? अनियन वगैरह मैं रात को ही कट करके रखती हूँ जिससे सुबह थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और मैंने कल रात को ढोकला भी बनाया था बट मैंने उसे सीजन नहीं किया था, तो अभी वो भी मैं कर रही हूँ। ऑयल के अंदर राय, मिर्ची, हींग डाल के उसे सीजन करूँगी और उसके बाद उसको स्वीट का भी सीजनिंग करना है जिसमें पानी और शुगर डाल के करना है। ये जो रेडीमिक्स होता है उसका है, मैंने अब तक कभी इसे डायरेक्टली नहीं बनाया है। सो आज मैं लंच में इसको भी लेके जाने वाली हूँ, देखते कैसे टेस्ट करता है। सो दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये करते ही मैं अपना जो ये डिटॉक्स ड्रिंक है वो सिप करती रहती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा भी लगता है। अब बारी है टमाटो की। टमाटो की मैं इसमें पोटैटो भी कभी कभी डालती हूँ पर राइट नाउ मेरे पास बॉईल किया हुआ पोटैटो नहीं था। सोख किए हुए में मैंने डाला है सॉल्ट, शुगर, आमचूर पाउडर एंड कोरिएंडर और उसे अच्छे से मिक्स किया है। एज इन टमाटो पक गया है, हम इसमें हल्दी डाल के जो पोहे का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम इसमें ऐड करके अच्छे से आस्ते आस्ते और धीरे धीरे मिक्स करेंगे। हमें इसके जो पोहे के दाने उन्हें तोड़ना नहीं है, इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। जो आटा हमने रेस्ट करने रखा था उसमें थोड़ा सा घी लगा के उसकी गोलियां बना देंगे। और एक्चुअली मुझे आपसे बोलना है कि जो सुबह का 15 मिनट्स का जो मेरा सेल्फ केयर रूटीन है, जो अर्ली मॉर्निंग उठ के जो मैं अफर्मेशंस पढ़ती हूँ और जो विजुलाइजेशन करती हूँ, वो सब मुझे रिकॉर्ड करना चाहता लेकिन मैं भूल गई। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी। दोपहर को हम लोग सब सैलेड खाना पसंद करते हैं और मैं अभी उसे कट करके फ्रिज में रख देती हूँ। तवा स्टोव पे गर्म होने के लिए रखा है और इस तरह से अगर हम करेंगे तो दोपहर में भी हम थकेंगे नहीं। बज गए 5:30, मेरे पास अब तक 1 घंटा है। अभी तवा हो गया है गर्म, अब हम रोटियाँ सेक लेंगे झटझट और फिर मैं अपना टिफ़िन है वो जल्दी जल्दी पैक कर लूँगी और किचन क्लियर करके हम लोग रेडी होने चलेंगे। ढोकला दिखने में तो ढोकला अच्छा था पर थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं दिख रहा था, हार्ड हार्ड दिख रहा था। क्लास में जाने से पहले आई मेक श्योर कि मैं या तो एक बनाना खा लूँ या तो कोई फ्रूट खा लूँ या इस तरह से कोई न्यूट्रिशियस लड्डू या कोई प्रोटीन बार या इस तरह का कुछ खा लेती हूँ। टिफिन हो गया है पैक, किचन हो गया है क्लियर और हम जा रहे हैं रेडी होने। हमारे स्कूल में अल्टरनेट डेज पे साड़ी पहननी पड़ती है तो आज मंडे है तो आज हमारा साड़ी डे है। तो या मैं स्किन केयर के लिए सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र और ये जो वाइट टोन पाउडर है वही लगाती हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी एज आज फर्स्ट डे है तो मेरे बैग के साथ मेरे पास है थोड़ा सा सामान जिसमें है हमारे पेपर्स। सो नीचे उतरते साथ ये हमारी रिक्शा जो मेरे लिए रुकी है, ये हमारे शब्बीर अंकल है जो मुझे सेफली लेकर जाके सेफली वापस लेकर आते हैं। ये है नगमा मैडम जो मेरे साथ रिक्शा शेयर करती है और आज उसे लेट हो गया तो या बस हम इस तरह से थोड़े से यहाँ वाकई बातें कर रहे थे। और ये है मेरी सना जो ये भी हमारे साथ दीक्षा शेयर करती है और हम तीनों यहाँ वाकई बातें, हॉलीडेज़ की बातें करते करते हैप्पीली स्कूल जा रहे थे। आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड यहाँ स्कूल आ गए, स्कूल का एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था और इस तरह से हम स्कूल पहुँच गए सेफली।
आफ्टर द असेंबली मैं अपने स्टाफ रूम में अपना एक रिचुअल फॉलो करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं चैंटिंग स्टार्ट करती हूँ। चैंटिंग होने के बाद आई प्रेफर रीडिंग अ बुक एटलीस्ट 5 to 10 minutes, नो मैटर वॉट। मैं वो बुक पढ़ लेती हूँ, कोई भी बुक हो। राइट नाउ मैं जो बुक पढ़ रही हूँ वो है रिच डैड एंड पुअर डैड। आई डोंट प्रेफर इन बाइंग द बुक मार्क्स। मैं हमेशा एक चार्ट पेपर का ऐसा पीस बना के अपने बुक में रखती हूँ, और जो जब भी मैं उस बुक में से मुझे कुछ भी अच्छा सा कोट मिलेगा तो मैं वो लिख कर उसे ऐसा बुक मार्क यूज़ करती हूँ। आफ्टर माई चैंटिंग एंड रीडिंग मैं अपना लॉग बुक लिखना शुरू करती हूँ। लॉग बुक का मतलब है कि आप जो भी दिन में, उस सर्टन दिन में जो भी क्लासेस में जाओगे, उस क्लास में आप क्या पढ़ाने वाले हो, तो उसके बारे में हमको प्लान करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि टीचर्स का काम बहुत ही आसान होता है, सिर्फ जाके पढ़ाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, तो ऐसा नहीं है। हमें एवरी डे ये लॉग बुक लिखनी होती है। एवरी सब्जेक्ट, एवरी पीरियड के लिए हमें लिखना होता है कि एज अ टीचर हम क्या एक्टिविटी करने वाले हैं उस टाइम पे, बच्चे स्टूडेंट्स एज एन एक्टिविटी क्या करने वाले हैं उस टाइम पे, हम कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं, कौन सा मेथड ऑफ इवेल्युएशन होगा, इज इट गोइंग टू बी ओरल, रिटन, विजुअल, वो लिखना है। देन कोर सब्जेक्ट, कौन सा कोर पार्ट को हम टारगेट करके वो सर्टन सब्जेक्ट बुक, सर्टन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। फिर आता है लाइफ स्किल, ये पीरियड में बच्चे ने कौन सी लाइफ स्किल सीखी है, कौन से वैल्यूज़ हमने उनके इसमें इंस्टॉल की है थ्रू द लेसन। सो ये सारी चीज़ें सबके अंदर आती है, तो उसकी काफ़ी प्लानिंग लगती है। ऐसे नहीं कि बस उठ के चले जाए, रीड कर ले और ख़त्म कर ले, ऐसे बिल्कुल नहीं होता टीचिंग। सो लॉट ऑफ प्लानिंग गोज इन टू इट। ये तीनों चीज़ें मैं विदाउट फेल लास्ट 6 महीने से कर रही हूँ। उसके बाद मैं लड्डू खा लेती हूँ जो मैंने लेकर आया है। एक्चुअली कल रात मैं अपना टू डू लिस्ट लिखने भूल गई थी, तो उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट लिखा। वी हैव आर ईयरली प्लान्स और मंथली प्लान्स जो एकेडमिक से रिलेटेड होते हैं, बट मैं एक और प्लान बनाती हूँ जो इस सर्टन वीक में मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट आई टीच, फॉर ऑल द क्लासेस दैट आई टीच। सो ये मैं अपने प्लानर, जो मेरा प्लानर है, उसी में लिख देती हूँ कि ओके ये सब्जेक्ट का इतना सिलेबस इस वीक में कंप्लीट होना चाहिए। तो ये मैं एवरी संडे करती हूँ या तो मंडे, दोनों में से कोई एक दिन में सारे काम मैं कर देती हूँ। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरीथिंग, 4 पीरियड्स होने के बाद हमारी रिसेस अराउंड 10:50 को AM को हो जाती है। सो जो मैंने पोहा बनाया था वो हम खा रहे हैं, एंड ये स्टाफ रूम है, मेरे प्यारे प्यारे टीचर्स भी खा रहे हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो अमेरिकन टीचर्स हैं वो किस तरह से इस तरह से व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और आप सभी सब्सक्राइबर्स और जो मेरे व्यूवर्स हैं, अब मैं रियली आपको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स को इतना पसंद कर रहे हो। आज का दिन हो गया है ख़त्म और हम सब तैयारी कर रहे हैं घर जाने की। फाइनली हम सारे टीचर्स बहुत हैप्पी होते हैं इस मोमेंट पे, सब अपनी अपनी पैकिंग हंसी खुशी से करते हैं। सारे चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के बाद वी साइन ऑफ फ्रॉम द स्कूल एंड देन वी साइन इन टू आवर होम्स अगेन। कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा व्लॉग कैसे लगा, और आप इस तरह से और भी व्लॉग्स चाहते हैं क्या? डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग इट। सो या टिल देन वी मीट अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय।